हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा प्यारा है GTA 5। तो भाई पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने दोनों ने मिलकर एक बंदे से कार छीनी थी, जो कि बहुत ज्यादा अनोखी किस्म की कार थी। अगर नहीं पता कैसी किस्म की कार थी तो पिछली वीडियो जरूर से आकर देख लेना, बहुत ज्यादा कमाल की थी। मतलब वो कार बिल्कुल अनोखी थी, वो इस गेम में मिलती नहीं कभी भी। तो वो हमने क्या करा था, उस बंदे से कार छीन के, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी कार छीनने में। तो कार जब हमने छीन ली थी तो वो कार छीनने के बाद हमने उस कार को दूसरी कंट्री में मतलब एक्सपोर्ट कर दिया था। अगर नहीं देखी पिछली वीडियो जरूर से आगे देख लेना, वो हमने दूसरी कंट्री में प्लेन के थ्रू उसको एक्सपोर्ट किया था और उसके बाद आज हम गेम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे यार कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि ये वाली लैम्बोर्गिनी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंगवाई है वो कैसी लग रही है। मतलब ये लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर है, पिछली वाली शायद से लैम्बोर्गिनी का कोई वेनानो शायद से थी। तो इस बार मैंने लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर मंगवाई, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस कार है, दुबई वगैरह में भी बहुत फेमस है। और मैंने सोचा यार इस बार लैम्बोर्गिनी ये वाली मंगवानी चाहिए। और ओ भाई साहब, इसका एग्जॉस्ट देखो कितना खतरनाक है, ये कार भागती भी बहुत ज़्यादा सही है और इसके लुक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और अभी हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है एम और क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से भी हमें घर पर जाना होगा अपने। तो सबसे पहले मैं अपना लोकेशन मतलब सेट कर लेता हूँ मार्कर। ओके, तो मार्कर मैंने सेट कर लिया है, तो चलते हैं अपनी लोकेशन पर, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या मिलने वाला है। लेकिन जब भी एम और या फिर मतलब किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क बना हुआ आता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता है कि हमें वहाँ पे जाके मिलेगा क्या। मतलब 50-50 होता है कि हमें पता भी होता है और नहीं भी पता होता। तो पहले चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ और देखते हैं हमें वहाँ पे जाके क्या मिलने वाला है। यार अपनी लोकेशन पर तो हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं और यहाँ पे देखना होगा क्या करना है हमें। ये मुझे कोई हवेली टाइप की लग रही है, क्योंकि जिस जगह पर मैं अभी आया हूँ ना, मतलब ये पूरा ये मतलब ये घर का घर पूरा इसी बंदे का है। तो यहाँ पे मैं पहली बार ही आया हूँ शायद से और यहाँ पे एम बना हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो अंदर चल के देखते हैं भाई। ये तो कोई बहुत ही बढ़िया घर लग रहा है। ओ भाई साहब, ड्राइवर देखो कैसे भागता हुआ लाया गाड़ी एकदम। मुझे लग रहा है इसकी कोई सनखी मतलब इसकी खिसकी भी है अभी कोई। ओके, तो भाई ड्राइवर पूछ रहा है हमें यहाँ पे कौन मिलने वाला है। माइकल ने बोला कि अभी दिख जाएगा तुम्हें यहाँ पे कौन मिलेगा। ओके, तो भाई इसकी फिर से थरकी बंदी चालू हो गई है ड्राइवर की। ओके, तो शायद से अभी यहाँ पे हम मिलने आए किसी से। और ओके, तो ये तो वही है, डेव नाम है शायद से बंदे का, और हम इसके लिए कुछ टाइम से मतलब काम कर रहे हैं। अगर पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, ये बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है। ये हमसे बहुत मतलब खतरनाक मिशन देता है, एकदम अनोखे किस्म की मिशन देता है। मतलब इसके मिशन करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, इसके मिशन बहुत ही बढ़िया होते हैं यार। तो अभी देखते हैं अभी हमें क्या मिशन देने वाला है करने के लिए। ओ भाई गद्दा तो बहुत बढ़िया है इसका। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शायद से इसका कोई दुश्मन है, तो उसको शायद से हो सकता है ये मरवा दे, या फिर देखते हैं अभी क्या करना पड़ेगा, या तो किडनैप करवाएगा या उसे मरवाएगा। ओके, तो अभी ये बंदा बोल रहा है। ओके, तो ये इस बंदे के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो भाई ये बंदा जो भी ये फोटो में दिखा रहा है, या पता नहीं फोटो में दिखा रहा है टैबलेट में दिखा रहा है, ये बंदा कुछ वीडियोस पहले मतलब जो हमारा गेम शुरू हुआ ही हुआ था उसके कुछ मिशंस के बाद ही इस बंदे ने माइकल को मारा था बेसबॉल बैट से। तो हो सकता है मतलब इसी बंदे को हमें मारना हो या क्या करना हो। तो ये बंदा बोल रहा है अभी, डेव जो हमारा दोस्त है ये बोल रहा है कि ये बंदा जो अभी इन्होंने टैबलेट में दिखाया है कि इससे अब इसकी कोई दोस्ती वगैरह रही नहीं है, तो शायद हो सकता है हमें इससे बदला वगैरह लेना हो। भाई पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा था ये। ओके, तो भाई अब हमारा भी बदला पूरा हो जाएगा और जो हमारा दोस्त है डेव इसका भी बदला पूरा हो जाएगा। और भाई अभी ट्रेवर की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन भाई कौन लेके जाएगा इसकी गाड़ी, मतलब खटारा सी गाड़ी है यार। अबे भाई, अच्छा ये अपनी गाड़ी में आएगा और मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा, ठीक है तेरी गाड़ी में तो भाई कोई जाएगा नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला कम से कम। मैं पहले यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ और चलते हैं अपनी लोकेशन पर, देखते हैं हमें जाके क्या मिलेगा। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ से पहाड़ियों के रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि भाई पहाड़ियों के रास्ते से मैं शॉर्टकट ले जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाई यहाँ से शॉर्टकट लेना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भाई अबे भाई गाड़ी फंस गई मेरी। तो ओ भाई यहाँ से मुझे कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो मैं काम करता हूँ, गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में जंप करवा देता हूँ। ओके, रास्ता तो मिल गया यहाँ से,
ठीक है, तो चलते हैं अपनी लोकेशन पे, पहले देखते हैं वहाँ पे जाके हमें क्या मिलने वाला है। ओके यार, तो अपनी लोकेशन पे तो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, और अभी जिस बंदे को हम मारने या किडनैप करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता उसकी क्या बैंड बजने वाली है, लेकिन उसको ये मतलब ट्रेवर और माइकल दोनों के दोनों साइको बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी साइको किस्म का इंसान हो, तो उससे लड़ने में यार बहुत ज़्यादा मजा आएगा, और देखते हैं क्या कैसे उसकी बैंड बजानी है। तो अपनी लोकेशन पे हम पहुंचने वाले हैं और देखते हैं फिर क्या करना है। ओके भाई, तो फाइनल यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे आके होगा क्या। तो यार ये जो जगह पे हम अभी आए हैं ना, मतलब ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप GTA 5 बहुत ज्यादा देखते हो तो आपको पता होगा कि ये जगह पे हम अभी हम खड़े हुए हैं आके, ये बहुत ज्यादा फेमस है ये जगह। तो अभी मैं पहले अपनी लोकेशन पे गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो थोड़ा सा मुझे पहले यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर ली, और अब शायद से मुझे आगे जाके देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है वैन, और शायद से हो सकता है इसमें से हमें कुछ निकालना हो। ओके, तो यहाँ पे पता नहीं क्या ही करना है, तो हो सकता है इस वैन को लेके जाना हो। मैं काम करता हूँ, उस वैन के अंदर बैठते हैं और देखते हैं क्या करना होगा। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस वैन को चुराना हो। ओके, तो अभी कुछ मशीन वगैरह चालू हो गई है, ये क्या चालू हुआ है मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, तो मेरे हाथ में अभी ओके, मैं समझ गया। तो अभी जो हम शूट द प्लेन्स इंजन, ओके किसी प्लेन के इंजन को हमें मारना है। ओके भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड टारगेट, ओके भाई ठीक है। ओ भाई साहब मार दिया, तो यानी ये जो प्लेन आ रहा था हमें इसमें फायरिंग करनी थी, और हमने इसको मार ही दिया है फाइनली। मतलब शायद से अभी तक एक ही पंखड़ी तोड़ी है, तो अब दूसरी पंखड़ी तोड़ते हैं। ओ भाई, दूसरी पंखड़ी भी तोड़ दी इस प्लेन की, मैं समझ गया। मतलब अभी बताता हूँ मैं क्या समझाऊँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना अभी। ओके भाई, ये बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है भाई, ये बहुत तेजी से भाग रहा है, मैं कैसे पकड़ूं उसे। मार दिया भाई, फाइनली इस प्लेन को हमने गिरा दिया। ये मुझे अपने दुश्मन का प्लेन लग रहा है भाई, ये नीचे गिरने वाला है। ओ भाई साहब, ये मुझे लग रहा है इस इमारत के ऊपर गिरेगा, हो सकता है। ओ भाई, ट्रैवर बन गए हम फिर से, और अभी देखते हैं यहाँ पे जाके क्या होगा। यहाँ पे लिखा है अभी इस प्लेन को फॉलो करना है, और प्लेन को फॉलो करने के बाद इसके अंदर जो पैकेज है उसको चुराना होगा। मतलब इस प्लेन के अंदर कुछ ऐसा माल है जो डेव चाहता है कि हम उसको ला के दें, तो हमें इस प्लेन का फॉलो करना होगा तब तक जब तक गिर ना जाए, और उसके बाद इसके अंदर जो माल है वो निकाल के डेव को देना होगा। तो शायद से ये प्लेन तो नीचे गिर ही गया है, और अभी देखते हैं हमें क्या करना होगा। अबे भाई, बड़ा दूर जाके गिरा है तो। ओके, ओहो भाई, ये तो गिर ही नहीं रहा। ओ भाई साहब, बच गया, अभी अभी गिरता है। ओके, ये भी पता नहीं गिरने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन मैं मुझे भी इसका पीछा तब तक करना पड़ेगा जब तक गिर नहीं जाता। ओके, गिर जा भाई, गिर जा, कब गिरेगा। ओके 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 ओके, मुझे लगातार इसका पीछा करना होगा। ये नीचे तो आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा धीरे धीरे आ रहा है। ओके, आ जा भाई, आ जा। मेरे लिए रास्ता भी बड़ा क्लियर बना हुआ है, मतलब इत्तेफाक से बना हुआ है, या गेम की स्टोरी कह लो, बड़ा ही मतलब सीधा सीधा रास्ता बना हुआ। फाइनली इसमें आग लग गई और ज्यादा, और ये नीचे आ गया, और अब देखते हैं अब कहाँ गिरेगा। ओके, तो भाई अभी माइकल बोल रहे हैं ट्रैवर से के मतलब इसके पीछा करते रहो लगातार, हमें इसके अंदर जो माल है ना उसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, नहीं तो डेव हमें पैसे वगैरह नहीं देगा। तो देखते हैं कहाँ गिरेगा, मतलब मुझे, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि गिरने कहाँ वाला है। ये इधर उधर भाग रहा है प्लेन, और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे क्यों नहीं गिरा, क्योंकि हमने भाई अच्छी खासी गोलियां बरसाई थी इसके अंदर। ओके, शायद से हो सकता है किसी खाली इलाके में गिरे ताकि किसी को नुकसान वगैरह ना हो। ओके भाई, गिरने वाला है, ये गिरने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ये, ओके भाई अब गिरेगा, ये अब गिरेगा, ये कोई मुझे एयरपोर्ट का कोई अड्डा वड्डा सा लग रहा है, तो यहाँ पे ओके एयरपोर्ट के अड्डे से तो हम निकल गए, अब ये कहीं और ही गिरेगा जाके। ओ भाई साहब, ए ओ भाई साहब, ये बड़ा सही सीन हो गया यहाँ पे, एक्शन में बिल्कुल एकदम ट्रेन को जंप करके निकले हम। ओए भाई साहब, अबे भाई ये प्लेन क्यों नहीं गिर रहा, मेरे ये समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा है इस प्लेन के भी जिंदा है इसके अंदर जान, मतलब जान वगैरह भी जिंदा है। वैसे तो मुझे इसे फायरिंग नहीं करनी, अगर फायरिंग करनी होती तब तक लिखा हुआ आ जाता, नहीं तो फायरिंग तो नहीं करनी होगी। भाई बड़ा ही दूर जा रहा है ये प्लेन, मतलब हम अपनी माइकल की लोकेशन से तो मैं बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ। ओके
अगर मेरे पास ऐसा कोई मतलब ऑप्शन होता ना अभी इसे मारने का, तो इसे कब तक मैं मार के गिरा चुका होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी इसे मार के गिराने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे भाई वेट ही करना पड़ेगा ये कब नीचे आएगा कब नहीं। वैसे तो ये डगमगा रहा है लगातार, जब से हम इसका पीछा कर रहे हैं तब से ही डगमगा रहा है ये, लेकिन अभी तक भूतनी का गिरा नहीं है ये। अब भाई कहाँ जाके रुकेगा? ओके, बार बार मुझे ऐसा लगता है अब गिरा अब गिरा। ओ भाई अब तो गिर गया ये। ओके भाई अब गिर गया फाइनली, मुझे इसमें कुछ आवाज़ आई थी उल्टी सीधी और उसके बाद ये फाइनली गिर गया। ओके तो भाई कुछ लोगों को मुझे मारना होगा यहाँ पे। ओके मैं बंदूक ले लेता हूँ तेरी भूतनी वाली की, तू रुक तू रुक। ओके यहाँ पे लिखा हट भूतनी के। अबे भूतनी वाले, ओ भाई सब ये वही बंदा था शायद से जिसका फोटो दिखाया था डेव ने हमें, और हमें यहाँ लिखा है कि हमें इनसाइड जाना होगा प्लेन के, और प्लेन के इनसाइड जाने के बाद भाई पायलट भी मर गया एयरपोर्ट इसका हेलीकॉप्टर का, सॉरी हेलीकॉप्टर बोल रहा हूँ प्लेन का। और अभी ये सूट के समय चाहिए था, इसी को हम पैकेज बोल रहे थे, और पैकेज तो हमें मिल गया। ड्राइवर कहो कुछ भी बढ़िया बंदा है, काम का बंदा है, सनकी है थोड़ा सा लेकिन काम कर देता है अपने। और भाई हम शायद से डेव को बताएंगे या फिर माइकल को बताएंगे कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। ओके तो इसके अंदर कोई फाइल है तो अब इसे हमें लेके जाएंगे पहले शायद से माइकल के पास, और फिर माइकल और ट्रेवर दोनों लेके जाएंगे डेव के पास। तो अभी जिस बंदे को मैंने गोली मारी थी ये शायद से मोस्ट प्रोबेबली ये वही बंदा था जिसकी फोटो डेव दिखा रहा था टैबलेट में। और ओह भाई नाक साफ कर रहा है ट्रेवर। और अभी हम शायद से बनने वाले हैं माइकल। ओके बड़ी ही दूर है भाई माइकल, हाँ हम माइकल बनने वाले हैं क्योंकि जिस जगह भी अभी हमारी लोकेशन आई है वो माइकल है। और अभी हम इस वैन को लेके हमें यहाँ से लीव करना होगा एरिया को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार अपनी मैं लैम्बोर्गिनी लेके निकलूँ, लेकिन लैम्बोर्गिनी तो मेरी गायब हो चुकी है भाई। कोई बात नहीं लैम्बोर्गिनी नहीं है तो क्या हो गया? नहीं 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 लैम्बोर्गिनी तो मेरी यहाँ पे है, किसी ने मेरी गाड़ी ऑटो पार्क कर दी है तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे भाई लैम्बोर्गिनी नहीं ले जा सकते अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे मुझे वैन में ही बैठना पड़ेगा। और अभी इस वैन के साथ ही मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि इस वैन में शायद से कुछ ऐसा है जो कि हमें इसको लेके जाना होगा, और इसको ले जाने के बाद से हमारा मिशन कम्प्लीट होगा। लेकिन पहले उससे पहले इस एरिया को छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं फिर क्या होगा। ओके तो भाई फाइनली मैं उस एरिया से तो बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वैन को मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा भी उतरा था इस वैन से तो मैंने देख लिया था कि भाई माइकल के पास हाथ में ये कोई डब्बा सा है कोई पेट्रोल का या मिट्टी का तेल जो भी है इसके पास। तो मैं समझ गया इस गाड़ी को अभी हम डिस्ट्रॉय इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई इस गाड़ी के थ्रू हमने भाई टारगेट किया था उस प्लेन को जिस प्लेन में से अभी ट्रेवर ने फाइल्स वगैरह ली हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा भी इस गाड़ी को ज़रा डिस्ट्रॉय कर दूं, तो मैं इसके चारों तरफ पहले तो यहाँ पे पानी कह रहा हूँ मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी गिरा देता हूँ, फिर उसके बाद इसे उड़ाएंगे। मुझे यार इस तरीके से मतलब तेल डाल के इसी चीज़ को उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार तो ट्रेवर ने घर को उड़ाया था तो वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। अब फाइनली मैं इस पर शूट कर सकता हूँ, तो भाई इस पर मैं मारने वाला हूँ शॉटगन, क्योंकि शॉटगन मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये ले भूत, ठीक है अभी भी नहीं हुआ, हो गया भाई हो गया, एक ही शॉट से काम हो गया। अब ये पूरा सर्कल बन जाएगा आग का, और ये पूरी की पूरी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन भाई मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँ कहीं मैं ही ना उड़ जाऊँ और मिशन फेल हो जाए, तो अब देखते हैं क्या होगा। अबे भाई ये तो कुछ भी नहीं हुआ यार। ओके मैं दोबारा से ले लेता हूँ भाई। ओके मैं दोबारा से इसके ऊपर डालता हूँ, अभी शायद से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा और मिला के डालना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरीके से मतलब जल जाए। एक बार तो हमारा अटैम्प्ट फेल हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस बार हमारा अटैम्प्ट फेल ना हो, तो मैं एक बार अच्छे से डाल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ढेर लगा देता हूँ ढेर लगा के। ओके यहाँ पे सर्कल बड़ा हो रहा है डालते, और मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए इसके, ताकि भाई जब हम इस पर बंदूक मारें तो अच्छा सा मतलब ये जल जाए। अब मार के देखता हूँ भाई इस पर बंदूक। ये ले भूतनी के, ये ले दो तीन शॉट ले ताकि तेरी बैंड बच जाए भूतनी के। अब देखते हैं अब क्या होगा, अब तो ये फटनी चाहिए पक्का से, अब फटनी चाहिए भाई। अभी भी नहीं फटी, नहीं नहीं अब फट गई भाई, अब फट गई, मुझे लगा ये फटी नहीं थी लेकिन भाई अब ये फटने वाला। ओ भाई साहब फट गई, फाइनली फट गई। अब मैं अपनी यहाँ पे बाइक मंगवा लेता हूँ रॉकेट लिख के, और फिर चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। बाइक तो आई नहीं, ओके शायद से अब आ जाएगी। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अभी कोई भी चीट नहीं लगा सकता हूँ, और मैं इसकी कार लेने की सोच रहा था, भूतनी वाला भाग गया ये। अबे भाई मैं यहाँ पे किसकी कार लूँ? ओके मैं इसकी कार ले लेता हूँ, और फिर चलते हैं अपनी लोकेशन पर और देखते हैं वहाँ पे जाके हमें क्या मिलने वाला है। हो सकता है मतलब पक्का से हम डेव के पास ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा मिशन जो कंप्लीट हुआ है वो डेव के लिए ही हुआ है,
तो देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे हमें क्या मिलने वाला है। फिलहाल तो ट्रेवर की कॉल आ रही है और देखते हैं क्या बात करनी है। ओके तो शायद से ट्रेवर ये बोल रहा है कि अभी जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पे हमें जाने की जरूरत थी, क्योंकि ट्रेवर ने अभी भी ये बोला कि हमारा प्लान चेंज हो गया है। ओके तो अभी देखते हैं, अभी हमारा मतलब लोकेशन तो चेंज नहीं हुई है और यहाँ पे लिखा है कि हमें कहीं मिल, अभी ट्रैवल से हमें कहीं जाके मिलना होगा, तो पहले वहाँ चलते हैं और देखते हैं हमें वहाँ पे जाके क्या बातचीत करनी है ट्रैवल से। ठीक है, अपनी लोकेशन पे तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और अब देखते हैं यहाँ पे जाके हमें कौन मिलने वाला है। इस जगह पे शायद से मैं पहले कभी भी नहीं आया, तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और अभी ये बिल्कुल एकदम गाँव का सा इलाका है। अभी यहाँ पे शायद से हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और देखते हैं हम यहाँ पे कौन मिलेगा। यहाँ पे शायद से ट्रैवल ही मिलेगा और ट्रैवर का भी शायद से माइकल वेट करने वाला है। ये बैठा देखो किस तरीके से है, बिल्कुल एकदम ये बंदा भी मस्त है यार, बिल्कुल बढ़िया बंदा है बिल्कुल। और अभी ट्रैवर है कहाँ पे मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। ओके भाई ट्रैवर आ गया फाइनली यहाँ पे। ओके अब देखते हैं क्या होगा। ट्रैवर ने वैसे वो सूटकेस चुरा लिया था और अभी शायद से अभी तो डेव को दिया नहीं है, तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। ओके तो अभी भाई माइकल बोला ड्राइवर से कि तुम्हारे पास उसकी कार क्यों है। ओके What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh. Oh, but I did kidnap his wife. Oh no. Oh, okay, shit. तो भाई इसने मैं समझ गया। तो ओ भाई साहब अभी माइकल ये पूछ रहा था ट्रेवर से कि डेव को तुमने मारा तो नहीं है, तो भाई उसने बोला ट्रेवर ने नहीं मैंने उसे मारा नहीं लेकिन उसकी वाइफ को किडनैप करके ले आया हूँ। ओके तो भाई ट्रेवर को इसकी बीवी पसंद आ गई है और ट्रेवर इसकी बीवी को किडनैप करके ले आया और माइकल का दिमाग खराब हो रहा है अभी, क्योंकि भाई डेव जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो बहुत कोई अनुभव मतलब कोई वीआईपी बंदा है, तो उससे हम पंगा लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए माइकल का थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है। तो अभी देखते हैं अभी क्या होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि माइकल को जब बता रहे थे ट्रेवर के उसने इसकी कार क्यों ली ट्रेवर ने, तो ट्रेवर ने ये बताया कि भाई ट्रेवर को गुस्सा आ गया था इसलिए ट्रेवर ने उसकी बीवी को चोरी कर लिया, किडनैप कर लिया। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर से जरूर से लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं अपने चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी गेम प्ले वीडियो या सीरीज मिस ना। और मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि कौन कौन सी गेम्स वीडियोज में खेलनी चाहिए, मैं जरूर से ट्राई करूंगा उन गेम्स को खेलने की। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।